हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स के प्लेटफॉर्म में जो आप कैंपेन क्रिएट करते हैं उसमें एबी टेस्टिंग को रन कर सकते हैं। गाइज एबी टेस्टिंग की बेसिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को भी एबी टेस्टिंग क्या होती ये नहीं पता है तो आप वहां पर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको एक बेसिक और इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो जाएगी एबी टेस्टिंग की। एंड गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली मैंने एक एबी टेस्टिंग पर बेस्ड एक कैंपेन ऑलरेडी रन किया हुआ है और वो सक्सेसफुली रन है, तो उसकी कुछ इनसाइट्स मेरे पास कलेक्ट हुई हैं। मैं इस वीडियो के एंड में उन इनसाइट्स को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो यहां पर चलिए सीधे चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और वहां पर देखते हैं किस तरीके से हम एबी टेस्टिंग कैंपेन सेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आ चुका हूं मैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर अगर आप देखें तो नॉर्मल जो हमारा बेसिक मेथड से कैंपेन क्रिएट करने का, उसी पर क्रिएट पर क्लिक करने वाले हैं। एंड देन गाइस आप जितने भी आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हैं, किसी भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आप एबी टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक सेलेक्ट कर लेता हूं लीड जनरेशन, हमारा मार्केटिंग कैंपेन। गाइस लीड जनरेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा कि लीड जनरेशन फॉर्म क्या होता है या लीड जनरेशन कैंपेनिंग क्या होती है। तो गाइस इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं लीड जनरेशन को ही सेलेक्ट करके रख रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मैं जब एबी टेस्टिंग आपको बताऊंगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में जानते हैं। तो यहां पर हमने लीड जनरेशन कैंपेन सेलेक्ट किया अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद कैंपेन का नाम भी यहाँ पर डाई डिफॉल्ट लीड जनरेशन रख देते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्रिएट एबी टेस्ट दिख रहा होगा, तो सीधे आपको इस टॉगल बटन को ऑन कर देना है और एबी टेस्टिंग में आप वेरिएशंस को टेस्ट करते हैं। तो किस टाइप के वेरिएशंस को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नीचे चार मेजर ऑप्शन है। क्रिएटिव का मतलब ये हो गया कि आपने अपना बजट डिसाइड किया, आपने एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेट डिसाइड करी और उस ऑडियंस सेट को दो अलग अलग आपने पोस्ट दिखाई। अब आप देखना चाहते हैं कि किस पोस्ट के ऊपर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये हो गया जहां पर आप एबी टेस्टिंग में वेरिएबल मान रहे हैं क्रिएटिव को। बात करते हैं डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन की, तो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एबी टेस्टिंग में, ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्रिएटिव को इस बार कांस्टेंट रख रहे हैं और अपनी ऑडियंस को वेरिएबल रख रहे हैं, यानी एक ही पोस्ट आप दो अलग अलग ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी वो पर्टिकुलर पोस्ट किस ऑडियंस पर अच्छी तरीके से परफॉर्म करी। यही बेसिकली फाउंडेशन होता है एबी टेस्टिंग का। और उसके बाद प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, आप प्लेसमेंट भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पोस्ट हमारी इंस्टाग्राम पे किस तरीके से परफॉर्म करी, फेसबुक पे किस तरीके से परफॉर्म करी, तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर देंगे, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन होता है एड सेट का, वो एड सेट का सेक्शन है। तो एड सेट के सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल आपको पेज सेलेक्ट करना है, देन कैटलॉग है, ये तो ऑप्शनल पार्ट है, इसको हम लीव कर देते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स की बात हो रही, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे क्रिएटिव वेरिएबल को सेलेक्ट किया, उसके बाद नॉर्मली आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ऑडियंस के बाद प्लेसमेंट टारगेटिंग करनी है, और प्लेसमेंट के बाद आपको डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन करना, और फाइनली आपको बजट सेट करना है। तो इस वाले पार्ट को, क्योंकि मैं पिछले जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ कैंपेन क्रिएशन को रिलेटेड, उसमें मैं ये पार्ट को काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको स्किप कर दे रहा हूँ और सीधे आपको बताता हूँ जो इसका मेन पार्ट है। यहाँ पर हम आ गए एड ए पर। अगर आप देखते हैं तो आपके जो नॉर्मल कैंपेन होते हैं वहाँ पर आपको केवल एक ही एड का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको दो एड के ऑप्शन दिख रहे हैं, और अगर आप चाहें तो दो से ज्यादा यहां पर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी ऐड की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां नॉर्मली ऐड नेम ए है और दूसरा ऐड नेम बी है। अगर मैं चाहूं तो यहां पर टेस्ट अनदर ऐड और इस पर प्लस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दो बार मैंने इस पर क्लिक किया तो सी और डी भी यहां पर क्रिएट हो गया। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऐड ए पर जाना है और अपना फॉर्मेट चुनना है, जो भी आपका फॉर्मेट है सिंगल इमेज का। जैसे अगर आपका फॉर्मेट है तो आप सिंगल इमेज का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, और क्योंकि ये एक लीड जनरेशन कैंपेन है तो नीचे आपको जो है फॉर्म वगैरह भी सेट करना पड़ेगा। लीड जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्म सेट करना, तो यहाँ पर आप जो फॉर्म वगैरह सेट कर देंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू टू ऐड बी क्लिक करेंगे तो आप डेफिनेटली सेकंड वाला जो ये ऑप्शन है ऐड क्रिएटिव का, उस पर आप पहुँच जाएंगे। इस तरीके से आप ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर एक कॉपी क्रिएट कर देंगे और ऑप्शन डी क्रिएट करेंगे
सेलेक्ट करेंगे और फिर वहां पर एक अपनी जो है एड कॉपी क्रिएट कर देंगे। तो ये चार आपके पास वेरिएबल्स हो जाएंगे, चार आपके पास एड कॉपीज हो जाएंगी। अब इन चारों को आप एक ही ऑडियंस के साथ टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर कि इस जो पर्टिकुलर ऑडियंस है इसके लिए हमारा ये पर्टिकुलर एड सेट काम कर रहा है कि नहीं, बी वाला काम कर रहा है कि नहीं, सी वाला काम कर रहा है कि नहीं, डी वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको एक रिपोर्टिंग मिल जाएगी, फिर उसके बेसिस पर जो भी आपका एड अच्छे से परफॉर्म करता है डेफिनेटली आप उसी के साथ आगे कॉन्टिन्यू करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कभी कदार क्या होता है कि आपने दो तीन पोस्ट बनाई और आपको सारी पोस्ट अच्छी लग रही है और आप जज नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपने कैंपेन में किस पोस्ट को रन करूं, तो इन दैट केस ये वाला पार्ट बड़ा काम आता है कि आपने तीनों को एक बार रन करा के देख लिया, अपना बजट स्प्लिट कर दिया, एबी टेस्टिंग कर दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कौन सा आपका क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो भी क्रिएटिव आपका अच्छा परफॉर्म करेगा डेफिनेटली आप उस क्रिएटिव के साथ मूव ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस कैंपेन को सेट करेंगे। और गाइस जैसा मैंने आपको इस वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि मैं आपको अपने एक लीड जनरेशन कैंपेन जिस पर मैंने एबी टेस्टिंग लगाई थी उसके बारे में आपको बता दूं। यहां पर मेरे डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंपेन्स हैं और ऊपर सबसे ऊपर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग लीड कैंपेन दिख रहा होगा। तो मैं अगर इस डिजिटल मार्केटिंग लीड कैंपेन पर क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली इस कैंपेन के अंदर जो लीड जनरेशन कैंपेन है इसके अंदर हम लोगों ने एबी टेस्टिंग को यूज़ किया है। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने चार एड सेट क्रिएट किए थे, चार बेसिकली कॉपीज क्रिएट की थी जिनको हमें टेस्ट करना था। तो गाइस इसमें से तीन कॉपी अप्रूव नहीं हुई क्योंकि मैंने ये चीज़ मेंशन कर रखी थी उसमें जो हमारी पोस्ट थी वो एक्चुअली फेसबुक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ। तो ऐसे भी आपको देखना है कि आपके जो क्रिएटिव है वो फेसबुक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए ताकि आपका जो क्रिएटिव है वो अप्रूव हो जाए। दूसरी बात ये कि जो हमारा सी एड सी था वो बेसिकली अप्रूव हो गया और वो रन हुआ। तो अगर हम लोग देखें, इसका बजट मैंने 250 रुपये पर डे रखा था और इसका रिजल्ट मुझे मिला 25 लीड जनरेशन यहाँ पर हुई, रीच इसकी हुई 4208, इम्प्रेशन 7290। ये पूरी एनालिटिक्स है और कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब कॉस्ट पर लीड कितना पैसा हमने खर्च किया वो आ रहा है हमारा 25 रुपये और टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ वो लगभग 635 रुपये के आसपास स्पेंड हुआ। और ये जो है इसका टाइम पीरियड जो था वो बेसिकली 24 अप्रैल से 1 मई 2019 तक था। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऐड पे पहुँच जाएंगे। ये पर्टिकुलर हमारा ऐड क्रिएटिव था और इस पर्टिकुलर क्रिएटिव पर हमको रिजल्ट्स और लीड्स मिली। और एक मिनट अगर हम लोग यहाँ पर पीछे बैक करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने कैंपेन के मेन उस पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो लीड्स हमें मिली उसको हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और आप बाद में उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये अगर लीड्स होंगी तो इसमें जो लीड फॉर्म में जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि आपको क्या डेटा चाहिए, जो रेसिपिएंट है उससे आपको क्या डेटा चाहिए या जो रिस्पोंडेंट है उससे आपको क्या डेटा चाहिए, तो आपको वही डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जैसे जैसे उसने फिल करी होगी। और फिर फर्दर आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके लिए एक प्रॉस्पेक्ट है और फिर वहाँ से आप कन्वर्जन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कैंपेन में अगर हम लोग देखें तो इस कैंपेन में पर्टिकुलरली आप जब व्यू चार्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे कैंपेन की आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। और एड सेट सी की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम जाएं और एड सी में जाएं और यहाँ पर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डाउनलोड लीड्स डाटा आपको मिल रही है और इसको हमसे ये फॉर्मेट पूछेगा कि किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट सेट करके रखा हुआ है, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर अपनी डेट चेंज कर देनी, जैसे ये 4 दिन के लिए था तो मैं 4 दिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आई विल क्लिक ऑन अपडेट और उसके बाद मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड का फॉर्मेट वापस पूछ रहा है। और मैंने इसको सपोज करते हैं CSV में डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग एक बार आपको समझाने के लिए। और उसके बाद मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये जो लीड्स आई हैं ये ओपन हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर किस किस टाइप का डेटा है, तो ये आईडी है एंड क्रिएशन टाइम जो अभी हम लोगों ने इसको क्रिएट किया इस रिपोर्ट को उसका टाइम है ये बेसिकली। और ये जो लीड जनरेशन फॉर्म फिल हुआ उसका टाइम यहाँ पर दे रखा है आपको और क्रिएटेड टाइम है। देन एड आईडी है, एड नेम है, एड सेट है, एड सेट नेम है, कैंपेन कैंपेन आईडी, कैंपेन फॉर्म एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इन चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत है बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको एक बार क्लियर थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे। ये ऊपर तो हमारे हेडर्स हैं
इनको मैं एक मिनट कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। और अगर आप देखें तो लीड जनरेशन फॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर आपको ये चीज़ें मिल जा रही हैं तो फिर आप अपना जो है फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट है उसको कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्लेटफॉर्म देखें तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म से बेसिकली आपको लीड्स मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है, क्योंकि प्लेसमेंट में हम लोगों ने दोनों ही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके रखे हुए थे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो नाम है वो मिल जा रहा है, ईमेल मिल जा रही है और फ़ोन नंबर्स मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपने जो लीड जनरेशन फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया था उसकी डेटा भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है और भी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए कि जो भी आपने एड्स क्रिएट किए थे वो देखिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ऐड को क्रिएट किया था जहाँ पर हम लोग एक कोर्स रन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, और जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी IT सेल में किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत होती, इन सब चीज़ों की बात हम इस पर्टिकुलर कोर्स में करते हैं। और अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर क्रिएटिव को लगभग 8 तरीके से प्रेजेंट किया गया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फेसबुक स्टोरीज की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएटिव वहां पर दिखाई दिया। और आगे आते हैं इंस्टाग्राम फीड में और इंस्टाग्राम स्टोरीज में, तो अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग तरीके से हमारा ऐड दिखाई दिया। तो स्प्लिट टेस्टिंग काफ़ी यूज़फुल होती है जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं और आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी सॉल्व कर देती है। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते जा रहे हैं, लगभग डेली हम कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू गाइज़ वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।